पढ़ाई में तेज अनुराधा ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की, दिल्ली के कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, सीकर के प्रतिष्ठित कॉलेज से BCA की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों से ही अनुराधा दौलत शोहरत की दीवानी थी। अनुराधा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज भी की। पैसा कमाने के लिए तेज दिमाग कंप्यूटर एक्सपर्ट ने शेयर का धंधा शुरू किया। बिजनेस डूबा तो करोड़ों की देनदारी हो गई। अनुराधा को समझ आ गया कि बकाया देनदारी चुकाना मुश्किल है और उसने तुरंत दबंगई का रास्ता अपनाया, छोटी मोटी वारदात को अंजाम देने लगी। इस रॉब और किस्सों से लेनदार भी तकाजा करने से घबराने लगे। अनुराधा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। पढ़े लिखे दिमाग ने गैंग की प्लानिंग को धार दी। अनुराधा की वजह से आनंदपाल का वजूद बदला। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े आनंदपाल की बदलती तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लंबी कदकाठी वाले आनंदपाल ने अपने शरीर को नया आकार दिया। सादे कपड़ों में रहने वाले डॉन ने सूट बूट और हैट पहनना शुरू कर दिया। यह अनुराधा की फर्राटेदार अंग्रेजी की संगत का ही असर था कि देसी आनंदपाल भी अंग्रेजी बोलने लगा था। It was just revenge and I can complete my revenge and I will try my best for managed him. काफी अरसे बाद आप घर में हैं, क्या महसूस करते हैं आप लोग कि आपके मानसिक टाइम? I am feeling well now. My father has passed away. My father was very genius and very liberal person. अनुराधा की इन्हीं खूबियों ने आनंदपाल को उसके करीब ला दिया था। अप्रैल 2015 में गिरफ्तार होने से पहले अनुराधा आनंदपाल सिंह के गैंग के दिमाग के तौर पर जानी जाती थी। तमाम वारदात की पूरी प्लानिंग का जिम्मा शातिर अनुराधा के जिम्मे था। इसी का नतीजा था कि आनंदपाल और अनुराधा ने मिलकर पूरे शेखावट इलाके में खौफ भर दिया था। उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा अपहरण किए और उनके लिए बड़ी फिरौती वसूली। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल जेल से फरार हुआ और 6 महीने से ज्यादा समय से वो फरार है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। जब वो सामने आया तो पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो गोलियां बरसाता रहा। पुलिस गोली चलाने के आदेश का इंतजार करती रही। उसकी गोली से कमांडो भी मारा गया, लेकिन पुलिस और SOG मिलकर भी अभी तक आनंदपाल को पकड़ नहीं पाई है। खबरों के मुताबिक पुलिस और प्रशासन में आनंदपाल की गहरी पैठ है। साथ ही अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने का रॉबिनहुड स्टाइल भी आनंदपाल को बचाने में उसकी मदद कर रहा है। आनंदपाल ने गांव गांव ब्रिगेड के नाम से आर्मी बना रखी है और फेसबुक के जरिए वो पुलिस और प्रशासन को खुद को पकड़ने का खुला चैलेंज दे चुका है। आनंदपाल को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। सदन से लेकर सचिवालय तक में हल्ला जोरों पर है और इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और अब जो आनंदपाल नागौर क्यों सर के अंदर उपस्थित था, जिस जिले से भागा वही उसकी उपस्थिति, वहाँ उसने एक नेटवर्क तैयार कर दिया। 500 से ज्यादा इतने संख्या के अंदर जवान तैयार कर लिए, जो उसके लिए रंगदारी चोत वसूली सारा काम आनंदपाल के लिए करते हैं। और आनंदपाल कहीं कहीं नेताओं के और भाजपा नेताओं के पूरी तरीके से संपर्क में। ये गैंगवार आए दिन बढ़ रही हैं, इसके ऊपर सरकार कोई फोकस नहीं है, न इनकी इच्छा शक्ति है अपराधियों को पकड़ने की। इन्हीं की पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं इन अपराधियों से, सूचनाएं देते रहते हैं। खबर ये भी है कि गैंग की मास्टरमाइंड अनुराधा के नहीं होने की वजह से आनंदपाल कमजोर पड़ गया है और वो फिलहाल दुबई भाग चुका है और वहीं से गैंग की मदद से अनुराधा को जेल से छुड़वाकर खुद को फिर से जुर्म की दुनिया में स्थापित करना चाहता है। सूत्रों की माने तो आनंदपाल अनुराधा के जरिए देश के बाहर भी पैर फैलाने की फिराक में है, जिससे वो दाऊद और छोटा शकील सरीखे अंतर्राष्ट्रीय डॉन्स की फहरिस्त में अपना नाम भी शुमार करवा सके। लेकिन आनंदपाल के फरार होने के बाद उसे नहीं पकड़ पाने की शर्मिंदगी झेल रही राजस्थान सरकार अनुराधा को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और उसने आनंदपाल को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर से इंडिया TV के लिए संगीता प्रणवेंद्र की रिपोर्ट।